कौन? ओ, ओ, कौन कौन? अरे ये तो किसी बच्चे को भी आता होगा। उमेश त्रिवेदी ने 10 आम खाए तो 3 डजन में से बचे 26। आप हमारे पतियों को भी थोड़ा सिखा दीजिए ना, बड़ी मेहरबानी होगी। अब ये मेहरबानी जैसा शब्द मत बोलिए प्लीज। मतलब आप पढ़ा रहे हैं? देखिए ये ओ। ये हमारी रिक्वेस्ट है। गुड आफ्टरनून सर। सर आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थोड़ी ट्यूशन मिलेगी? मिलेगी? ए मांगे सुअर। सुहास भाई ने क्या डब्बे में रखी होगी कि निकाल के दे देंगे? ये लो पाओ किलो ट्यूशन। हम अभी अंदर आए या यही दरवाजे पे होगी ट्यूशन? घर की दहलीज पे। वो तेरे घर के दहलीज पे जाके बोलना अकेले अकेले। आइए आइए आइए। विभु तुम्हारे क्लासमेट्स आ गए। मतलब क्लास शुरू भी हो गया? नहीं नहीं अभी होगी होगी, बैठिए। मुझे बहुत उधार लेगा। हेलो भाई, हेलो अभी शुरू करो। 2 दुनिया 4, 4 दुनिया 8। हेलो, एक मिनट श्रीदेवी जी। त्रिवेदी जी। हाँ, मैं तो सिर्फ ये कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ, बाकी आप लोगों को पढ़ाने वाले टीचर्स तो कोई और हैं। मैडम मृणमयी पाटेकर, सर मंग्या उपासनी, सर सेहुल त्रिवेदी, सर चेंडू मंदार तेंदुलकर, सर सनी तेंदुलकर, ये सारे हैं आपके टीचर्स। ये अरे मैं तो सचमुच कर गया था। डरना जरूरी है। मृणमयी बेटा? बेटा नहीं मैडम। तो शुरू करें? पहले इंटेलिजेंस की टेस्ट, बुद्धि क्षमता की परीक्षा। 1 से लेकर 100 में 0 का अंक कितनी बार आता है? सेम नाना पाटेकर। गलत। 11 बार आते। हेलो चलो अब 5 बार उठक बैठक करो। उठक बैठक। हंसिए मत, इन्होंने गलत जवाब दिया इसलिए 5 बार उठक बैठक। लेकिन आपने जवाब ही नहीं दिया तो इसलिए आपको 10 बार उठक बैठक करनी पड़ेगी। चलो विभु। सुहास सर, मैं एग्जामिनर को लेके आया हूँ। प्रिंसिपल मैडम, आप इस तरह से चलती हैं? हाँ, मैं ऐसे नहीं चलती हूँ। ये तो मेरा डांस है जो आपको मेरी भांजी को सिखाना है। लेकिन मैं तो राइटर हूँ, मुझे डांस नहीं आता। तो क्या हुआ, मैं आपको सिखाऊंगी, आप मेरी भांजी को सिखाओ। तो आप डायरेक्टली सिखा दीजिए ना भांजी को। नहीं मेरे को टाइम नहीं है ना। ओके थैंक यू। चलो 1 2 cha 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 1 2 cha 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 1 2 cha cha cha। चाचा का डांस है ना, 1897 में। हाँ मैडम, पहले हमारी क्लास। हेलो। आइए। वेलकम टू प्रिंसिपल मैडम, आइए। थैंक यू। तो मेरे प्यारे बड़े बच्चों, आपको ये जानकर खुशी होगी
कि आपके डिपार्टमेंटल टेस्ट के पेपर्स मैं सेट करने वाली हूँ। जी हाँ, अब तक शायद आप इस एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि प्रिंसिपल मैडम को देखने के बाद आप जरूर सीरियस हो जाएंगे। ये सिर्फ एक फूड प्रोसेसर जीतने का सवाल नहीं है, अपने बच्चों की और अपने खुद की नजर में ऊपर उठने का मौका मिला है आपको, तो दिखा दीजिए कितना दम है आप में। अगर अभी भी कोई हवा में उड़ रहा है तो जमीन पर उतर आए, क्योंकि इस बार मैं इतना मुश्किल पेपर सेट करने वाली हूँ कि अगर मैं खुद एग्जाम देने बैठूं तो मैं भी फेल हो जाऊं। तो तैयार हो जाओ मेरे क्वेश्चन पेपर की धार पे चलने के लिए। सेम राम से डोंट से अरे जी, कोकेशस पर्वत कहाँ है मालूम है आपको? अरे इससे पहले मुझे ये बताओ कि बिजली के बल्ब की खोज किसने की थी? एडिसन। अरे आपको बोला ना मैंने, आपके खाते में एडिसन बाद में करवा दूंगा, बोला ना मैं? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि बिजली के बल्ब की खोज एडिसन ने की थी, थॉमस अल्वा एडिसन। ये सही बोल रहा है या अपने खाते में एडिसन करवाने के लिए बोल रहा है? ए पगरे, ये सही बोल रहा है, देख एडिसन। अब तो मेरे खाते में एडिशन कर दो ना। आ लो। अरे साहब, मैं आधे घंटे से खड़ा हूं, अब तो पैसा दो। जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देते कि एक से सौ के बीच में नौ कितनी बार आता है, पैसे नहीं मिलेंगे। अरे क्या नाटक है यार? नाटक तो तकदीर हमारे साथ खेल रही है, अब जवाब दो। जवाब दो। बोलो बोलो, बोलना तो पड़ेगा ये भाई। मुझे क्या मालूम टुंडा प्रदेश कहाँ पर है? अरे जब मालूम नहीं है तो मालूम कीजिएगा ना, क्यों सुबह सुबह बूट उठा के बैंक में चले आते हैं? हेलो पम्मी बेटा, टुंडा प्रदेश कहाँ पर है? अरे वेकेशन में वहाँ नहीं जाना है, तू सिर्फ बता टुंडा प्रदेश कहाँ पर है। उसे भी नहीं पता। उसे भी नहीं पता? नहीं। तो कल पता करके आइए। ये क्या है मैडम? उपासनी जी, आप लॉर्ड माउंट बाटेकर जी, आप बचिंद्र पाल क्या? सरोजिनी नायडू जी, सब ठीक चल रहा है ना? मैडम मैं सरोजिनी नायडू। ये क्या मैडम, आप हमें अलग अलग नाम से क्यों बुला रही हैं? वो इतिहास के पात्रों के नाम याद रहे, इसलिए सुहास ने ये आइडिया दिया है। मतलब हमारे आसपास के लोगों को अगर इतिहास के पात्रों के नाम दिए जाए तो वो नाम याद रखने में आसानी होती है। सच? आप भी चार्ट देखकर याद कर लीजिए। थैंक यू सुहास, यू ग्रेट। अरे हमारा नाम देखो क्या लिखा है, सयाजीराव गायकवाड़। हाँ, और मैं महाराणा प्रताप। ये चेतक कौन? महाराणा प्रताप का घोड़ा। आज मैं पगड़ी जी के ऊपर बैठ के घर जाऊंगा। महाराणा प्रताप, वो 36 नंबर की फाइल ले आना। आया। झांसी की रानी ने होम लोन की फाइल मांगी है। हमें तो मच्छिंद्र पाल, फाइल टीपू सुल्तान जी के पास है।
टीपू सुल्तान जी, झांसी की रानी ने होम लोन की फाइल मांगी है। वो तो चेतक लेके भाग गया। चेतक, चेतक जी, चेतक जी। मैं माउंटबेटन हूँ, फाइल चेतक लेके भागा है, उसे पकड़ो। ये चेतक है कौन? इधर। इधर। चेतक। क्या है? झांसी की रानी ने होम लोन की फाइल मांगी है। आओ। झांसी की रानी, होम लोन की फाइल दो। देखिए चेतक जी, जिसने फाइल मांगी है वो झांसी की रानी है, मैं तो सरोजिनी नायडू हूँ। फिर भी फाइल दो। ये लो। लो गायकवाड़। महाराणा प्रताप। चेतक। हेलो, कल सुबह 9 बजे परीक्षा होगी, लेकिन सभी बच्चों को 9:45 बजे ही परीक्षा हॉल में हाजिर होना होगा। ओके। हाय हाय, इसका मतलब सबको जल्दी जगाना पड़ेगा। मैं तो उन्हें रात भर सोने ही नहीं दूंगी। कमल ताई, क्या ओ प्रतिभा? ए, रात भर पढ़ाई कराऊंगी। ये रॉकेट कभी भी फूटती और कहीं भी जाती है। आप क्या हंस रहे हो? आगे बोलो। तो परीक्षा के 1 घंटे के बाद रिजल्ट अनाउंस होगा और फिर तुरंत ही थैंक यू। ये तालियां आपके लिए नहीं, फूड प्रोसेसर के लिए है। कल 9:45 बजे सभी स्टूडेंट्स को तैयार करके परीक्षा हॉल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। यस सर।